गणेश बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? प्रभु, प्रभु, प्रभु। नंदी, क्या बात है नंदी? भोलेनाथ, भोलेनाथ, देवतागण आपसे मिलने आए हैं। काफी डरे हुए हैं। डरे हुए? प्रणाम भोलेनाथ। दुहाई हो भोलेनाथ, आपके दिए हुए वरदान से गजमुखासुर और भी घमंडी हो गया है। क्या? और वो बिना किसी बात के सब तरफ अपनी मनमानी कर रहा है, किसी पर कभी भी आक्रमण कर देता है। पूछिए, पूछिए वरुण देव से। हाँ, अरे वरुण देव कहाँ रह गए? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देवराज। गजमुख ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। वरुण देव, ये इन्हें किसने? भूखा। अरे ये पहाड़ टूटने की आवाज कैसी? ये देवगण साथ में भूकंप लेकर तो नहीं आए हैं? गणेश, ऐसे नहीं कहते बेटा। अब तो विश्वास हो गया आपको? ये सब कर रहा है आपका चहेता गजमुखासुर। प्रभु आप भी ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। इस गजमुख ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग चिंता ना करें, उसे मैं अवश्य ही सबक सिखाऊंगा। बेटा गणेश। जी पिताजी। उस दुष्ट गजमुख को तुम ही सबक सिखा सकते हो। जाओ जाओ और उसको उसके बुरे कर्मों की सजा दो। जो आज्ञा पिताजी। आप जरा भी चिंता ना करें, मैं अभी उस पापी की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। हाँ? मगर प्रभु, ये अकेला कैसे? रुकिए गणेश, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ गणेश, नंदी और गणों को अपने साथ ले जाओ। भोलेनाथ के आशीर्वाद से गजमुख बहुत शक्तिशाली हो गया है, उसे हराने में ये भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे नहीं माँ, उस राक्षस के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही उसे हरा कर आपके हाथों से बने मोदक खाने आ जाऊंगा। वैसे भी लड़ते लड़ते भूख और बढ़ जाएगी। गणेश जी, आप जिद मत करिए, अपनी माँ का कहा मान लीजिए। गजमुख बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ गणेश जी। सब शांत हो जाइए, मुझे गणेश की बुद्धिमानी और शक्ति पर पूरा विश्वास है। ये अकेला ही उसको हरा सकता है। जाओ बेटा, मेरे आदेश का पालन करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अच्छा, तो सारे राक्षस यही हैं। पहले इनसे निपटता हूँ। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, गया हूँ। आओ 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 आओ। Thank you.
मारो मारो, क्यों थक गए क्या? मुझे तो बड़े बड़े शूरवीर देवता और दानव भी नहीं हरा पाए। तुम तो अभी छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो मेरा एक राक्षस ही काफी है। गजमुख, तेरे राक्षस दोस्त तो पहले ही मुझसे टकराने की सजा पा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। नादान बालक गणेश, तुमने मेरे राक्षसों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मुझे वरदान है कि कोई भी देवता, मनुष्य या दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गजमुख, लगता है खेल बहुत हो गया। अब जरा तुम्हारी अच्छे से धुलाई होनी चाहिए। तुम्हें जो वरदान मिला है, मैं उससे परे हूँ, क्योंकि मेरा शरीर आदमी का है और सर हाथी का। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा क्या? मेरे कान!
माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा और हमेशा के लिए अपने इस रूप में आपके चरणों का दास बनकर रहूँगा। चलो ठीक है, वैसे भी तुम पर सवारी करके मुझे बहुत आनंद आया। आज से मैं तुम्हें अपना प्यारा सा वाहन बनाता हूँ। क्यों, मुझे फिर से झुलाओगे ना? जैसी आपकी आज्ञा, बस एक कृपा करना, मेरे कान मत खींचना, वैसे ही बहुत लंबे हो चुके हैं। आइए बैठिए। चलो मेरे मूशकरा। प्रभु, दोबारा से वही राक्षस बनने का मन तो नहीं कर रहा है? नहीं 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 प्रभु, मैं ऐसे ही आपके चरणों में रहकर ठीक हूँ। वैसे भी पहले मैं कितना भयानक था, अब तो मैं कितना खूबसूरत हो गया हूँ। तभी तो मैं सोचूं, इतना सा मूषक गणेश जी का भार कैसे उठा लेता होगा? राक्षस की ताकत जो थी उसमें। सही बोला। और मन गणेश जी के चरणों में। एनीवेज, ये स्टोरी सुनकर मजा तो बहुत आया, क्योंकि हम भी मूषक राज की तरह ही डेयरिंग हैं। ऐसी कुछ और जोरदार स्टोरीज हो जाएगा? अभी नहीं रे धोती, अभी तो घर जाने का टाइम हो गया है। फ्रेंड्स, अपन लोग फिर मिलेंगे गणेश जी के और मजेदार स्टोरीज के साथ, क्या? हाँ बिल्कुल। गणपति बप्पा ओया।